हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति हाँ आज हम देखते हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट के मिक्सचर को हम जो है कैसे सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेशन इज़ अ मेथड इन विच ऑल इन विच अ सोलिड सब्स्टांस डायरेक्टली चेंजेस टू द गैस फेज विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फेज अमोनियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉमन सोल्ट बाई सब्लिमेशन दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज़ वोलेटाइल इन नेचर वेयर इज कॉमन सोल्ट इज नोन वोलेटाइन इन नेचर हैंड्स वेन अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सोल्ट इज हेटेड अमोनियम क्लोराइड चेंजेस इट्स स्टेड फ्राम सॉलिड टू वेपर द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर देन कन्डेंस्ड ऑन अ कोल्ड सर्फेस द कॉमन सोल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड सब्लीमेशन जो है एक ऐसी टेक्निक होती है जो हमने पहले भी पढ़ा था कि सब्लीमेशन मेथड क्या होता है कि जब जो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस फेज में जो है कन्वर्ट हो जाता है वो लिक्विड फेज में जाता ही नहीं है तो अमोनियम क्लोराइड को जो है हम कॉमन uh, सोल्ट से जो है सब्लिमेशन मेथड से ही जो है अलग कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है और जो कॉमन सोल्ट है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है वोलेटाइल क्या होता है कि एक जो सब्सटांस है वो इवेपोरेट हो जाता है रेडिली एक नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉन वोलेटाइल सब्सटांस वो होते हैं जो जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे या कंडीशन पे वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं जैसे कि सॉल्ट कॉमन सॉल्ट और शुगर तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब मिक्सचर होता है अमोनियम क्लोराइड का और कॉमन सोल्ट का जब हम उसको हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है सॉलिड टू वेपर्स और जब वेपर्स को हम कंडेंस करते हैं कोल्ड सरफेस पे तो वो चले जाते हैं वहाँ से वो अलग हो जाता है और जो सोल्ट है वो पीछे रह जाता है नाउ नेक्स्ट इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर जो डाई होता है ब्लैंक ब्लैक इंक में तो क्या वो एक सिंगल कलर होता है इट इज़ नॉट अ सिंगल कलर यू कैन सेपरेट इट बाई द प्रोसेस ऑफ कॉर्मेटोग्राफी कॉर्मेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट्स दैट डिजोल्व इन द सेम सोलेंट वो एक सिंगल कलर नहीं होता है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाई अ टेक्निक कॉर्मेटोग्राफी कॉर्मेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं जब बहुत सारे सोल्यूट जो हैं एक ही सोलवेंट में डिजोल्व हो रखे हों तो इसकी और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं तो ये सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी कलर्स इन डाई जैसे कि हमने अभी ऊपर ही देखा है कि जब एक डाई में बहुत सारे कलर्स होते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स अगर हमें नेचुरल कलर्स से कोई पिगमेंट्स निकालने हैं तो उसके लिए भी हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं देन ड्रग्स फ्रॉम ब्लड अगर ब्लड से ड्रग्स निकालनी हों जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स वगैरह करते हैं कि हमें पता लगाना होता है कि ब्लड में ड्रग की अमाउंट तो नहीं है तो उसके लिए भी जो है हम कॉर्मेटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं नाउ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स दो मिसिबल लिक्विड्स मतलब मिसिबल मीन्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं उनको अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम कैसे करेंगे टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग डिस्टिलेशन दो मिसिबल लिक्विड्स को हम जो है डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड होता क्या है कि सेलेक्टिव बॉयलिंग एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर कि क्या होता है कि हम सेलेक्टिव बॉइलिंग करते हैं एक ही टेम्परेचर पर उसको बॉयल करते हैं उसके बाद कंडेंशेशन करते हैं उसका एक कॉम्पोनेंट का वो भी लिक्विड मिक्सचर के तो होता क्या है कि इट इज़ यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉइल्स विदाउट डीकम्पोजिशन एंड हैव सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स जैसे कि अभी अभी बताया कि डिस्टिलेशन होता ही वही है कि हम उसको सेलेक्टिवली बॉइलिंग करते हैं तो वही होता है कि जब हम उसको बॉयलिंग करते हैं तो उनका जो अपना अलग अलग जो टेम्परेचर होता है उस हिसाब से वो बॉयल होते हैं और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं हाउ कैन वी ऑबटेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर हम जो है एयर को कैसे कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं गैसेस को एयर से एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एयर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसको कि हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है ये एक प्रोसेस होता है कंपोनेंट्स का केमिकल मिक्सचर्स के जिसको हम सेपरेट करते हैं अलग अलग पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट जो उनका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग जो टेम्परेचर या फिर पॉइंट होता है हम उससे उसको फ्रैक्शंस में अलग अलग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिफरेंट करते हैं अलग अलग पार्ट में उसको जो हम अलग अलग करते हैं इसलिए इसका नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है सबसे पहले एयर होती है एयर को हम कंप्रेस करते हैं और उसके बाद कूल cool करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब हम उसका जो है प्रेशर उस पर इंक्रीज कर करके उसको कंप्रेस कर देते हैं और उसको कूल cool कर देते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर जिसकी वजह से जो एयर है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद हम अलाउ टू वॉम अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोलम उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कोलम में हम उसको जो है वॉम होने के लिए धीरे धीरे उसको वॉम होने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं उसके बाद गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट साइड्स उसके बाद जो गैसेस हैं वो अलग अलग अपनी हाइट्स पे जो है अलग अलग होना शुरू कर देती हैं जैसे कि हम देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस एट वन हंड्रेड एटी थ्री है आर्गन का देखेंगे माइनस वन एटी सिक्स एंड नाइट्रोजन का अगर हम देखेंगे तो माइनस वन नाइनटी सिक्स और अगर हम इसकी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम देखेंगे एयर में तो वो क्या होती है ट्वेंटी पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट नाइन एंड सेवेंटी एट पॉइंट वन द एयर इज़ कम्प्रेस बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज़ देन कूल्ड बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि जो एयर है हम उसको कंप्रेस करेंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर डाल के उसको बाद उसको कूल करेंगे टेम्परेचर को डिक्रीज करके जिसकी वजह से हमें लिक्विड एयर मिल जाती है दैन जो लिक्विड एयर है वो स्लोली स्लोली उसको वॉम अप होने के लिए हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में छोड़ देते हैं उसके बाद जो गैस है वहाँ पे सेपरेट हो जाती है अपनी अपनी हाइट्स के अकॉर्डिंग अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग नाउ हाउ कैन वी ओपटेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल जो एक इम्प्योर सैंपल है उससे हम प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे जो है सेपरेट कर सकते हैं कैसे ओपटेन कर सकते हैं द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सोलड्स एक क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है जो यूज़ किया जाता है टू प्योरीफाई द सोलड क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सोलिड्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन ये एक टेक्निक है जिसके बाद क्या होता है कि जो जो प्योर सोलिड्स हैं ये उनको उनके क्रिस्टल के फॉर्म मतलब क्रिस्टल बना देता है उनका बाई सोल्यूशन जो उसका सोल्यूशन है उससे उनके क्या बना देगा क्रिस्टल्स बना देगा इट इज़ अ बेटर टेक्निक दैट सिंपल इवेपोरेशन टेक्निकज ये एक बेटर टेक्निक है जैसे कि सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक होती है से सम सोलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चैटर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस सारे जो कुछ सोलिड्स ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं और कुछ सोलिड्स जैसे कि शुगर होता है वो ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं हीटिंग करने पे अगर हम उसकी उनको हीट करते हैं ड्राइनेस की तरफ तो वो जल जाते हैं सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजोल्व इन द सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑन वेपोरेशन दिज कंटामिनेट द सोलड क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो रहती हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन भी तो वो जो है वो इवेपोरेशन के टाइम पे या हाँ इवेपोरेशन के टाइम पे जो है वो सोलिड को कंटामिनेट कर सकती हैं तो इसकी एप्प्लिकेशन क्या क्या हैं प्योरीफिकेशन ऑफ सोल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वॉटर जो हम क्या जो सोल्ट हम सी से निकालते हैं उसके प्योरीफिकेशन में हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को जो है हम यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ़ क्रिस्टल ऑफ एलम from इम्प्योर सैम्पल्स बहुत सारे ऐसे इम्प्योर सैम्पल्स होते हैं जिसमें से हम ऐलम को निकालते हैं मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स बनते हैं एलम के जो इम्प्योर भी होते हैं उसके साथ तो वहाँ से हम जो एलम को निकालते हैं सेपरेट करते हैं एलम को उसके भी उस भी उस मेथड में भी ये जो है यूज़ होता है और एलम क्या होता है फिटकड़ी जो हमने देखी है हम उसी को एलम बोलते हैं नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंज फ़िजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है फिजिकल चेंज इज़ द टेम्परेरी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटांस फाउंड एंड देन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटांस रिमेन द सेम इवन दो इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर स्टेट शेप साइज एक्सेट्रा माइट चेंज फिजिकल चेंज वो होता है जो एक टेम्परेरी चेंज होता है इसमें कोई भी नया सब्सटांस नहीं बनता है और जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है जैसे एक ओरिजिनल सब्सटांस की थी वे चाहे बेशक से उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि कलर स्टेट शेप साइज ये सब चेंज हो जाएं लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो ओरिजिनल की तरह सेम ही रहती है केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड हुज़ केमिकल कंपोजिशंस एंड फिजिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इन ओरिजिनल सब्सटेंस अब केमिकल चेंज क्या होता है ये एक परमानेंट चेंज होता है इसमें एक नया सब्सटेंस जो है बनता है जिसकी कंपोजिशन जो होती है केमिकल और फिजिकल दोनों ही अलग होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है डिफरेंट होती हैं जैसे कि एक ओरिजिनल सब्सटेंस की थी उससे बिल्कुल अलग होती हैं